गोसावी की चर्चा शुरू हुई थी जो इसने आर्यन खान के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाई थी, वहीं से पूरी कहानी की परतें खुलने लगी। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको ये बताने का कि आखिर ये शपथ पत्र जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, ये समीर वानखड़े ने कोर्ट में क्यों दी, क्यों ऐसी नौबत आई। देखिए इस रिपोर्ट में। समीर वानखड़े IRS ऑफिसर है, मौजूदा तैनाती जोनल डायरेक्टर NCB मुंबई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद अचानक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए। वैसे तो तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, लेकिन वानखड़े की वर्किंग स्टाइल को लेकर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं। केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार आरोपों की बौछार करते आए हैं। आज जिस आरोप की वजह से समीर वानखड़े को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसका सार यही है कि NCB के नाम पर वानखड़े वसूली करते हैं। 21 अक्टूबर को समीर वानखड़े पर नवाब मलिक ने उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाया। 24 अक्टूबर को आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह ने 25 करोड़ के कथित उगाही प्लान से वानखड़े का नाम जोड़ दिया। 25 अक्टूबर नवाब मलिक का दावा, समीर वानखड़े दलित नहीं मुस्लिम है। समीर दाऊद वानखड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे IRS के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। आर्यन केस में 25 करोड़ की वसूली होनी थी, क्या समीर वानखड़े को 8 करोड़ मिलने थे? क्या वसूली बहाना, वानखड़े है निशाना? अपने ऊपर लगे आरोपों को NCB के जोनल डायरेक्टर ने सिरे से खारिज कर दिया। NDPS की स्पेशल कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोपों को षड्यंत्र का हिस्सा बताया, आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए जांच को प्रभावित करने की बात की। आज आर्यन खान की गिरफ्तारी और अनन्या पांडे से हो रही पूछताछ के बीच वानखड़े को लेकर NCB घिरी हुई नजर आ रही है। आखिर समीर वानखड़े और NCB के हलफनामे में लिखा क्या है? आज अदालत में कटघरे में खड़े होकर क्या भावुक अपील की समीर वानखड़े ने, ये सब मैं बताऊंगी। आर्यन खान केस में नए विवादों और नए खुलासों ने समीर वानखड़े को आरोपों के बवंडर में बुरी तरह फंसा दिया है। क्या NCB की इंटरनल इंक्वायरी में वानखड़े पर लगे आरोपों का सच सामने आएगा? आखिर NCB के हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। कितनी हकीकत, कितना फसाना, कितना बहाना, कितना निशाना, क्या है विवाद वानखड़े की पूरी कहानी, ये आज मैं आपको एक एक सच बताऊंगा।